की दौलत के पास सबसे बड़ी नेमत जो है ना ये सेहत। यू हैव नो एनी सिंगल पेनी ऑन योर पॉकेट, डोंट वरी, आपके पास अगर अच्छी सेहत है तो आप इंजॉय करेंगे। पहले ट्रेनिंग किया करता था, वेट लिफ्टिंग किया करता था, तो चले आज चलते हैं अपने उस्ताद जी से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करते हैं, देखते हैं। आज उस्ताद जी से मिलने जा रहे हैं। आज हम अपने उस्ताद जी से मिलने जा रहे हैं जो हमें वेट लिफ्टिंग करवाया करते थे, तो आपको भी मिलवाते हैं। इधर 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 उस्ताद जी को बैठे हैं, उस्ताद जी को ही पता मैं आ गया, वो बैठे हैं उस्ताद जी। ये हैं हमारे आसिफ भाई, ये मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद जी मेरे भी उस्ताद हैं, मेरे पापा के भी उस्ताद हैं। वाजी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्होंने मुझे ट्रेनिंग करवाई है और अभी तक हम इनके शागिर्द भी हैं, तो हम ऐसे ही रहेंगे। इस दिन में हम ट्रेनिंग करते हैं और आसिफ भाई अल्लाह का कर अपडेट यही है कि शोल्डर इंजरी थी वो मैंने करवाई थी, फिर भी वो लगी हुई है पैकेज। उसके बाद ये है कि ट्रेनिंग शुरू की थी मैंने, भी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप ना सब अक्टूबर से कर सकते हैं। हाइट और कोई फार्मूला ये मिड सेक्शन को कर रहा हूँ और हाइट के हिसाब से जिसम को बिल्ड करना ठीक है, चलता रहेगा सर ठीक है। ओ यस बिल्कुल ठीक है। तो ये कहता हूँ कि अगर आप इफ़ यू हैव नो एनी सिंगल पेनी ऑन योर पॉकेट डोंट वरी, आपके पास अगर अच्छी सेहत है तो आप इंजॉय करेंगे। और मैंने देखा है लोगों के पास जिनके अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स भरे हुए हैं लेकिन वो परेशान है, क्या है जी कि यार मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब फिजिकली जाओ इनके साथ इश्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं कि यार ये, इससे मैंने और एनालिसिस ये निकाला है कि यार मतलब मुझे जितना टाइम हो गया है इस फील्ड में, मैंने देखा है कि यार सेहत जो है ना ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की, ईमान की दौलत के पास सबसे बड़ी नेमत जो है ना ये सेहत। तो जिनके पास अच्छी सेहत है ना वो ऑफकोर्स हर हाल में और उसे इंजॉय करना भी चाहिए, तो उसके पास जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत से नवाजा हुआ है ना सेहत से, उसको तो सजदे में रहना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है तूने अच्छी सेहत दी मुझे, तो इसका ख़ास ख्याल रखना चाहिए। स्पेशली मैं जो हम लोगों के यूथ है हमारे यंग बच्चे आ रहे हैं आगे, यार खुदा के लिए ये चीज़ें छोड़ दें, आप जंक फूड ये जो एनर्जी ड्रिंक्स हम लोगों को मिल रहे हैं ये क्या है, सारे केमिकल बेस्ड बहुत। आज जो हम लोग इस पे लगे हुए हैं वो जनाब उसके लिए महसूस करते हैं, साथ एक सिगरेट पड़ा होगा, एक बोतल पकड़ी होगी, वो जी वो फील कर रहे होंगे कि जी ये बड़ी उससे हमें एनर्जी आ जाएगी, नहीं आएगी, वो बेड़ा कर कर आपकी किडनी उड़ा देगा वो, जस्ट टेम्परेरी आपको 5-10 मिनट के लिए बूस्ट करता है, उसके बाद क्या है यार, आप आएँ नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ आएँ, द एनिमल सोर्स है हम लोगों की, योगर्ट है, दूध है, ये मक्खन है, इन चीज़ों पे आना चाहिए, वापस आएँ इन चीज़ों पे। अच्छा आसिफ भाई, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन डाइट प्लान दे रहे हैं, जो बच्चे हैं वो ये कहते हैं कि वेट लिफ्टिंग जो है वो बड़ा मुश्किल काम है, इसके लिए डाइट के लिए बड़े पैसे लगते हैं, स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं? यार अब ये है कि अगर कंपैरेटिव बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वो ऑफकोर्स लगेंगे, अगर कंपैरेटिवली कंपटीशन के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए तो एक अलग स्टाफ है, वो एक अलग दुनिया है, लेकिन अगर जनरल फिटनेस के लिए कर रहे हैं तो यार आपको जरूरत नहीं है, आप घर में जो पका हुआ खाना वो खाएँ और प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करें, दैट्स इट, 5 डे वर्कआउट करें, 2 डेज आप रेस्ट लीजिए अपने आप को, तो आप जनरल फिटनेस के लिए इतना बॉडी आप कर लोगे गेन कि आप अपना लाइफ स्टाइल बेहतर गुजार सकें। वही है ना, वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते, वो कहते हैं यार इतनी डाइट वो डब्बा आएगा, वो एक्सक्यूज है, असल में ये गलती ऑफकोर्स ट्रेनर्स की भी है, उन्होंने
बताना चाहिए कि यार भाई जनरल फिटनेस और चीज़ है। असल में जिम का जब किसी को कहते हैं ना कि यार आप जिम में आओ, तो जिम में आने का कॉन्सेप्ट होता है कि शायद कोई रेसलर बनना है या कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है। जनरल फिटनेस के लिए लोगों को बुलाएं कि यार जनरल फिटनेस क्या है, उसके बारे में बताना चाहिए कि यार आपको यू डोंट नीड एनी मोर देन मोर प्रोटीन्स एंड कार्ब। आप घर में जो पका हुआ है उसको आप खाना खाएँ और अच्छी तरह मतलब शुगर अदा करके इंजॉय करके जो भी आपके सामने है उसको खाएं और अपना पॉजिटिव हमेशा, ये सबसे बड़ी है आपकी बॉडी में भी और आपके मूड में भी पॉजिटिव थिंकिंग रखें और वर्कआउट करें। इससे ये है कि आप अपना जो जनरल फिटनेस का गोल है वो अचीव कर लेंगे। और आज सुबह जिन्हें रिड्यूस करना होता है उनके लिए कुछ बताएं कि उनको क्या करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है। रिड्यूस के लिए तो आपने जनाब पहले अपना जो चस्का पॉइंट है उनको आपने छोड़ना है, क्योंकि ये हमारा जो टेस्ट है ना, ये हमारी पूरी जो 4-5 इंच की टंग है ना जुबान, इसके ऊपर ही होता है। इसके अलावा जब हम इनहेल करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, तो वो 3-4 इंच की जो टेस्ट बर्ड्स हैं उसको लेने के लिए हम लोग ने अपना बिड़ा कर किया है। तो उसके लिए ऑफकोर्स उनको अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है ना उससे 200 कैलोरीज बिलो रहना ठीक है ना। मतलब वो फैट जब वो स्टोर होती है वो ऑफकोर्स रातों रात तो स्टोर नहीं हुई ना, उसके लिए टाइम लगता है। अब वो जो स्टोर हो गई है वहाँ से उसने निकालना है, वो बेसिकली आपके वही कैलोरीज है जो आपने यूटिलाइज नहीं की, वो फैट की सूरत में जिसम ने उसको स्टोर कर लिया। अब वो जब स्टोर हुई है तो आपने उसी को एनर्जी में कन्वर्ट करके जिसम से बाहर निकाला, मतलब अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से 200 कैलोरीज बिलो रहे और अपनी एक्सरसाइज स्पेशली कार्डियो एक्सरसाइज जो है कार्डियो की वो एक्सरसाइज करें और वो भी कंडीशन के साथ, बॉडी को पहले कंडीशन में लाना फिर आस्ता आस्ता उसको ग्रेजुअली स्टार्ट इज इन स्टेज, तो उसको स्टार्ट आहिस्ता आहिस्ता करते रहें। तो एक टाइम आएगा जब आप अपने वेट को जो है वो फैट जो है वो उसमें कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में और एनर्जी की सूरत में जैसे बाइंड कर जाएगी। सिंपल फार्मूला होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके अंदर जो फैट्स है वो बेसिकली वो कैलोरीज है जो आपने स्टोर की हुई होती है, आपने उसी को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। वो सूरत में होगी जब ऊपर से आप इनटेक बंद कर देंगे तो बॉडी आपकी ऑटोमेटिक एक टाइम आता है आफ्टर 20 मिनट्स वो केटोसाइज मोड में चल जाती है। जब केटोसाइज मोड में जाती है तो वो जना वहाँ से फैट्स डिप्लीट करना शुरू कर देती है। स्टेप्स हैं कि वो ऑफकोर्स एक नेचुरल जो एटमोसफेयर है वो जिम का होना चाहिए फॉर गुड हेल्थ, बिल्कुल ठीक है ना। ये नहीं है कि आप एंटर हुए हैं और हमस हुआ है और पूरा शर है और ऊपर से आपने ट्रेनर ने उसको वो पेजा भी लगाया हुआ है कि तू ये कर तो ये कि उससे थोड़ा माहौल ऑफकोर्स अच्छा एटमोसफेयर होना चाहिए। राउंड अबाउट बिटवीन 25-30 के दरमियान आप एटमोसफेयर पहुँचिए, गर्मियों में इतना टेम्परेचर आपका जिम के अंदर होना चाहिए फॉर गुड वर्कआउट ना। जो आजकल जो लोग कहते हैं कि जी हम ट्रेनिंग जो जिन्होंने यानी कि जिन्होंने गेन करना है उनके लिए कौन सा, यानी कि वो गर्मियों में ट्रेनिंग कर सकते हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए। ये भी एक अच्छा सवाल है कि हम लोग गेन कब करते हैं, ये आपका जो वेट गेन करना है या आपने वेट को रिड्यूस करना है ये सारा डिपेंड करता है आपकी इनटेक, ठीक है। आप ईट व्हाट यू आर, ठीक है, आप जो खाएंगे वो आप दिखेंगे। तो आपका ये रास्ता यूँ समझने कि आपका गेन करने का रिड्यूस करने का ये आपका आपके मुँह के रसे अच्छा, ठीक है, ये आपने खुद कंट्रोल करना है। ये आपके किचन में किचन पे सारा डिपेंड करेगा कि आपने क्या खाना किया। गेन करना है उसके लिए डाइट प्लान और है, रिड्यूस करना है उसके लिए। तो रिड्यूस वाले जो कहते हैं कि सर्दियाँ हैं अभी हम गर्मियों में करेंगे तो वो भी यही प्रोसीजर है ना कि आपकी इनटेक आपका वेदर से ज़्यादा आपकी जो इनटेक है ये रोल प्ले कर रही है और आपका इंटेंस वर्कआउट, ये दो चीज़ें हैं आपका इनटेक। वेदर जो है ना ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, हाँ बॉडी रिजिस्ट कर रही होती है अगर बहुत ज़्यादा मतलब जिस तरह गर्मी है उसमें आप वर्कआउट्स करते हैं 30 मिनट्स उसकी कैफे। और एक और सबसे बड़ी जो अजीब सा कॉन्सेप्ट बना हुआ है वो पसीने का होगा कि जी शायद पसीना ज़्यादा आ रहा है तो मैं कैलोरीज ज़्यादा बर्न कर लूँ। पसीने का जो बेसिकली मैकेनिज्म है बॉडी का वो ये है कि जब आपकी बॉडी एक सडन टेम्परेचर से ऊपर जाती है ना तो वो वहाँ से उसको कूल डाउन करने के लिए आपके जो स्किन है यहाँ से पानी बाहर आना शुरू होता है फैट्स को, और उसके लिए तो वो पसीना आता है उसकी जो बाहर वाला टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा कूल डाउन करता है आपकी बॉडी को। पसीना आता है आपकी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए। अच्छा 5%
5% आपका ये 5-10% इससे ऑफकोर्स कैलरी चोरी से बंद होती है, लेकिन आपकी ये जो मिथ बनी हुई है ना कि जी सिर्फ जितनी स्वेटिंग होगी शायद मैं उतनी कैलरीज बर्न कर रहा हूँ, ऐसी नहीं है। आपने बॉडी का टेम्परेचर हीटअप कर हीटअप है उसको कूल डाउन करने के लिए आपकी बॉडी ही नहीं है, मतलब वहाँ से वेट हो रही है जिसकी वजह से वो अपना टेम्परेचर को उसने मेंटेन किया हुआ है, इस वजह से वो आता है।